हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का प्यारा चैनल लूसीफर यूनिवर्सल फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पार्ट टू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, फोर्स क्या है, न्यूटन्स लॉ क्या है, न्यूटन के थ्री जो लॉस होता है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल पे जो लोग न्यू है, मेरे वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट होता है या मुझसे कोई भी गलती होती है या आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे कॉल करके या इस मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है इस पे मैसेज करके भी बोल सकते हो या फिर जो मेरा वीडियोस है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपना डाउट बता सकते हो। तो मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके लिए वीडियो लेक्चर बना के मतलब आपका डाउट टॉपिक के ऊपर वीडियो फिर से बना के अपलोड कर दूंगा। और तब भी अगर कोई डाउट रहता है तो कॉल कर देना, फिर मैं दोबारा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इम्पल्स। बहुत मजेदार चीज है इम्पल्स और मजा भी आएगा। और ये आप लोगों को पता है इम्पल्स क्या है, हम लोगों ने छोटे क्लास में भी मतलब क्लास 9-8 में भी ये सब पढ़ा है। तो सब लोग कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट प्रोसेस। चलो इम्पल्स के बारे में देखना है हमको, तो क्वेश्चन लिख लो सब लोग, व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, ठीक है। गिव एग्जाम्पल्स, गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक्चुअली इम्पल्स क्या है, ए लार्ज फोर्स, एक बड़ा वाला फोर्स, एक लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इम्पल्स। मान लो एक बड़ा वाला फोर्स है, अगर ये लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन ए शॉर्ट टाइम, मतलब एक बड़ा वाला फोर्स है जो मतलब शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, जैसे फुटबॉल का किक, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं बैट और बॉल का जो होता है कोलिशन, उसमें भी हम लोग इम्पल्स अप्लाई करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल लिख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल में भी चाह रहा है इसमें। एग्जाम्पल क्या होगा, एक नंबर, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बैट विल हिटिंग ए बॉल, फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉल, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉल विल हिटिंग, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बॉल विल हिटिंग ए बॉल, सॉरी यहां पर बैट होगा, फोर्स एग्जर्टेड बाय ए बैट। दो नंबर, ब्लो ऑफ ए हैमर ऑन ए नेल,
ब्लू ऑफ ए हैमर, ब्लू ऑफ ए हैमर ऑन ए नेल, ब्लू ऑफ ए हैमर ऑन ए नेल. थर्ड नंबर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पर्सन हुज एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए पर्सन, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. जब कोई मतलब थोड़े हाइट से गिरता है तो वो जो फोर्स एक्सर्टेड होता है उसमें वही होता है ब्लो का इम्पल्स. और ब्लो ऑफ हैमर ऑन ए नेल, जब हम लोग कोई नेल को ऐसे मार दो, नेल को ऐसे हथौड़े से मारते हैं तब क्या होता है, हथौड़े के अंदर बहुत फोर्स स्टोर हो जाता है, फिर ये नेल के ऊपर रिलीज होता है और इन दोनों का कोलिशन का बीच का टाइम बहुत कम होता है तो वो भी इम्पल्स होता है. ठीक है, तो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट के बाद और कुछ लिख सकते हो, ऑन ए मार्बल फ्लोर, ऑन ए मार्बल फ्लोर. यहाँ पर मार्बल फ्लोर क्यों लिखना है, क्योंकि अगर हम लोग सर्टेन हाइट से अगर कोई सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो हम लोगों का इम्पल्स नहीं होगा इसमें, लेकिन कोई हार्ड फ्लोर के ऊपर जब हम लोग गिरेंगे तभी हम लोगों का जो फोर्स है वो इम्पल्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इम्पल्स क्या है, याद रखना पड़ेगा. इम्पल्स होगा क्या, इम्पल्स होता है लार्ज फोर्स, फोर्स ऑब्वियसली लार्ज होना होगा इनटू टाइम. ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इम्पल्स, जो फोर्स से बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, फिर जितना टाइम जितना कम होना चाहिए उतना कम होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो कुछ ना कुछ तो रहेगा. उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है इम्पल्स. ठीक है, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. ये इम्पल्स भी लिख सकते हो और इम्पल्सिव फोर्स भी लिख सकते हो. ठीक है, हो जाएगा. इसको इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो मिटा देते हैं. इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स हम लोगों ने देख लिया, अभी देखेंगे इम्पल्स ऑफ ए फोर्स. ये दोनों चीज एक जैसा है लेकिन एक नहीं है. क्या बोला, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स और इम्पल्सिव फोर्स एक जैसा है लेकिन एक नहीं है. चलो देखते हैं क्वेश्चन टू. व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स ऑफ ए फोर्स. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या है. ठीक है, चलो देखते हैं इम्पल्स ऑफ ए फोर्स क्या है. इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स, इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट, टोटल इफेक्ट, इम्पल्स इज अ टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स विच एक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स, विच एक्ट, विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम. ठीक है, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज
इन मोमेंटम. ठीक है, इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स. इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. इंपल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स एंड द टाइम फॉर विच इट एक्ट्स. ठीक है, एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम. एंड इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं. इंपल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स विच एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम. मतलब एक बड़ा वाला फोर्स जब मान लो इतना बड़ा सा एक फोर्स जब कम टाइम के लिए कोई चीज के ऊपर अप्लाई होता है तो क्या होता है. जनरली ये तो सबको पता है, जब फोर्स अप्लाई होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस. ठीक है, देन उस पार्टिकल पे क्या होगा, एक्सेलरेशन जरूर होगा. ठीक है, व्हेन फोर्स टेक प्लेस डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा एंड उस पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जरूर काम करेगा, क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए, तो एफ जहां पर होगा ए वहां पर होगा ही होगा. लेकिन इंपल्स के बाद थोड़ा अलग है. इंपल्स क्या है, एक बड़ा सा फोर्स है जो कम टाइम के लिए कोई चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे, वो मतलब हम लोगों के मतलब रियलाइजेबल के बाहर. जैसे एग्जांपल मान लो, जैसे कि मान लो जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो सडनली क्या होता है, उसके ऊपर सडनली लार्ज फोर्स अप्लाई कर जाता है, तो ये अचानक से मतलब अचानक से मूव कर जाता है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो फोर्स है वही हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो लार्ज फोर्स है और टाइम बहुत कम होता है, तो टाइम कैलकुलेट करना भी बहुत टफ होता है, फोर्स कैलकुलेट करना भी बहुत टफ होता है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना तो और भी टफ होगा. तो देखिए, तो हम लोग इम्पल्स कैसे मेजर करेंगे, तो इम्पल्स मेजर करेंगे हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम से, उसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ वो हम लोग मेजर कर सकते हैं. तो वहां से ही हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पल्स है वो हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, यहां पर बोला है इम्पल्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स विच एक्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम. जो इम्पल्स जब प्रोड्यूस होता है तो एक्चुअली उसमें एक्सेलरेशन के जगह पर मोमेंटम का चेंज होता है. ठीक है, तो इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर विच इट एक्ट्स. दैट मीन्स इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. ये मैंने पहले भी लिखा हुआ है, तो एफ इंटू टी आई, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, इम्पल्स आई इक्वल टू एफ इंटू टी. ठीक है, तो क्या है इम्पल्स, क्या है फोर्स, वो पता चल गया तुम लोगों को. चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो. अभी देखेंगे, मैंने तो अभी बोला है कि इंपल्स जो होता है वो हम लोग मेजर कर सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम से. तो देखेंगे इंपल्स जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम से हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री, शो दैट द
that the impulse of a force, is equal to the change in momentum, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, ठीक है, सो दैट द इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। चलो देखते हैं, इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। अच्छा तो मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी है यू, मान लो ए पॉइंट है और ये हो गया बी, तो इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई हुआ है, होने से इसका एक्सेलरेशन ए हुआ है, यहां से यहां पर डिस्टेंस एस है, यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम चाहिए उसको टी, तो इसका स्पीड बढ़ के हो गया बी, जहां पर बी का डर है मतलब बी जो है वो ज्यादा है यू से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या यहां पर एज्यूम किया है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इक्वल टू यू, ठीक है, एट पॉइंट ए, व्हेन ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, ठीक है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस टू बी आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम स्मॉल, अगेन एज्यूम दैट द मास ऑफ द पार्टिकल इज एम, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज स्मॉल एफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एस, ठीक है। हम लोगों ने सारे एजम्पशन यहां पर लिख लिया है, अभी आते हैं कैलकुलेशन पे। तो हम लोगों को क्या पता है, एक्सेलरेशन यहां पर लिख सकते हो, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, ठीक है, चलो ठीक है।
them from Newton's second law of motion, F equal to m. तो m a के जगह पे b minus u by t. Then cross multiplication करने से m dot t equal to m b minus u equal to m b minus m b f dot t. So f dot t means impulse I m b minus m b. तो हो गया इंपल्स जो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ठीक. So impulse equal to change of moment. ठीक है, समझ में आई? ठीक है, हम मिटा देते हैं. अभी जो हम लोगों ने देखा है कि इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए और एक प्रोसीड्यूर है, मींस डिफरेंशियल, जो आप लोगों को मैथ्स क्लास में मिल जाएगा डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल से मतलब डिराइव करना थोड़ा इजी होता है. तो आप लोगों को अभी तक तो डिफरेंशियल मतलब पता नहीं चला है, या आप लोगों को अभी तक डिफरेंशियल के बारे में मालूम नहीं चला है, तो दो तीन दिन बाद या एक दो महीने बाद पता चल जाएगा. तब देख लेना ये वाला डेरिवेशन, बहुत इजी है. तो पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बोल दिया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अप्लाइड फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, चलो अप्लाइड फोर्स को क्या पकड़ते हैं हम लोग, मान लो एफ पकड़ते हैं, एफ वेक्टर. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज क्या होता है. मान लो मोमेंटम हम लोग क्या चीज से डिनोट करते थे, पी से. तो चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स डेल पी. डेल पी क्या होगा, पी टू माइनस पी वन. और पी टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम पी माइनस एम यू, क्योंकि पी टू होता है फाइनल मोमेंटम, पी वन होता है इनिशियल मोमेंटम. तो हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी भी पकड़ा था उस टाइम पे, और इनिशियल वेलोसिटी यू पकड़ा था. तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डेल पी होगा. ठीक है, डेल पी की जगह पर हम लोग डीपी भी लिख सकते हैं. तो डीपी हो गया मोमेंटम का चेंज, और रेट ऑफ मीन्स बाय डीटी. ठीक है, तो आ गया एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी. अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से और एफ डॉट डीटी इक्वल टू डीपी, इतना तो सबको पता है, एफ डॉट डीटी इक्वल टू डीपी. अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन मीन्स इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो इंटीग्रेट कैसा होता है, ये मैं दिखा देता हूं आपको, इंटीग्रेट हम लोग कैसे करते हैं. मान लो कि यहां पर एक बॉल है, इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है,
तो इसका वेलोसिटी बार के भी हो गया। तो हम लोग जो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि अचानक से इसको इतना फोर्स मिल गया है, कम टाइम पे मिला है लेकिन धीरे धीरे मिला है, मतलब कुछ टाइम तो चाहिए होगा पूरा फोर्स एक्वायर करने के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ थ्योरी, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। इफ इन टाइम जीरो टू टी, इफ इन टाइम जीरो टू टी द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम पी वन टू पी टू, ठीक है। देन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन विद इन दिस लिमिट्स, देन इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन विद इन दिस लिमिट्स, विद इन दिस लिमिट्स वी गेट, अभी हम लोगों को क्या मिलेगा देख लो, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट टी को करना है जीरो टू टी एफ डॉट टी टी, और पी को करना है पी वन टू पी टू डी पी, ठीक है। अभी एफ डी टी का इंटीग्रल करने से आ जाएगा, एफ तो कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो टू टी डी टी इक्वल टू डी पी का इंटीग्रल होता है पी, अपर लिमिट नीचे लोअर लिमिट ऊपर। देन डी पी का इंटीग्रल क्या हुआ था, पी हुआ था, तो डी टी का इंटीग्रल भी ही क्या होगा, टी होगा, लिमिट रहेगा जीरो टू पी इक्वल टू पी पी वन टू पी, ठीक है। अभी क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एफ टी के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम पी के जगह पे अपर लिमिट पी टू माइनस लोअर लिमिट पी वन, तो ये हो जाएगा एफ टी इक्वल टू पी टू माइनस पी वन। पी टी और पी वन क्या है, मोमेंटम का चेंज, दस इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंट, कॉपी कर लो, फिर एक लाइन लिख देना नीचे में कि दस द इंपल्स दस द इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दस द इंपल्स ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज ऑफ मोमेंटम, तो हम लोगों को क्या मिल गया, जो इंपल्स ऑफ ए फोर्स है वो क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम का चेंज। तो ये हम लोग ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, या मतलब ये थोड़ा स्टैंडर्ड है क्योंकि इस पे हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेरिवेशन करने से, ये वाला पार्ट है, और कुछ मतलब गाउ किस्म का डेरिवेशन करने से आप लोग पहले वाला देख सकते हैं, ठीक है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड इम्पल्स इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, यहां पर लिख दो दिस रिलेशनशिप, दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स, दिस रिलेशनशिप ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर फोर। फोर क्या कह रहा है हम लोगों को वो देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इंपल्स जो है वो हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं ग्राफ के बाय ग्राफ या ग्राफ के मतलब क्या बोलो इंपल्स हम लोग जैसे कि मान लो एक ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम लोग कैसे इंपल्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ग्राफ। तो मैं यहां पर क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक। Briefly explain how the impulse of a force can be measured graphically. Briefly explain. Briefly explain how the impulse of a force. How the impulse of a force. Briefly explain the how the impulse of a force can be measured graphically. Can be measured graphically. ठीक है, ये थोड़ा explain कर लो कि जो impulse of a force है वो हम लोग कैसे graphically measure कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहां पर एक graph दिया हुआ है, कोई भी एक graph, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये ओ है, ये वाई हो गई। तो यहां पर मान लो वाई एक्सिस की जगह पर मतलब ये वाई एक्सिस डिनोट कर रहे हैं हम लोगों को फोर्स और एक्स एक्सिस डिनोट कर रहे हैं हम लोगों को टाइम। हम लोगों का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ग्राफ। तो ये चाहो तो इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं तो ये यहां से इतना तक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इसके या इस डायरेक्शन पे है टाइम T2 T1 पकड़ लो और यहां पर कुछ पकड़ लो फोर्स F। ये हो गया फोर्स, ये टाइम हो गया T1, ये टाइम हो गया T2। तो हम लोग का इंपल्स क्या होगा, इम्पल्स इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स तो एफ रहेगा और टाइम हो जाएगा T2 - T1। देखो समझ में आता है कि नहीं, ठीक है। फोर्स और टाइम का मल्टीप्लाई करने से हम लोग को आता है इम्पल्स। तो यहां से फोर्स और टाइम मल्टीप्लाई कर दो या फिर इसको अगर तुम नाम दे सकते हो A B C D, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू, तो इसका क्या होगा, फोर्स एफ इंटू टी करने से मतलब इसका एरिया, ठीक है ना। एफ टी डायग्राम का जो एरिया होगा वही होगा फोर्स, एरिया ऑफ ए बी सी डी। देन क्या है इसका एरिया, ए बी इंटू AD। तो AB क्या है, AB है टाइम T2 - T1 और AD क्या है, फोर्स F। तो T2 - T1 को T धन एज्यूम करने से आ जाएगा फोर्स, सॉरी ये होगा इंपल्स इक्वल टू F × T, ठीक है। तो इंपल्स इक्वल टू F × T। तो ऐसे हम लोग काफी गति जो है इंपल्स मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे ग्राफिकली इंपल्स को मेजर कर सकते हैं। कॉपी कर लो, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। अच्छा, ये तो हो गया हम लोगों का जब फोर्स और टाइम फाइनिट पे गिवन होता है, जब फोर्स और टाइम फाइनिट पे गिवन होता है तब हम लोग कैसे मेजर करते हैं। अभी मान लो कि फोर्स और टाइम जो है फाइनिट नहीं, मतलब फाइनिट मतलब हम लोग वो कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक बार इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है या थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रहा है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेगा ये थोड़ा देख। मान लो ये ग्राफ है एफ वर्सेस टी का,
इस डायरेक्शन पे वो एक्स के डायरेक्शन पे हो गया टाइम और वाई के डायरेक्शन पे फोर्स पहले जैसे है ठीक है। इस डायरेक्शन पे टाइम एक्स ओ वाई अभी जो ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसा ठीक है। तो इसका वजह से हम लोगों को इम्पल्स निकालना पड़ेगा। ये क्या है वेरिएबल फोर्स है एन वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। ग्राफ किसका है एन ए वेरिएबल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। जब वेरिएबल फोर्स एक्ट करेगा किसी बॉडी पे तब इम्पल्स कैसे निकलेगा हम लोग वो आज अभी देखेंगे ठीक है। तो सपोज ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर टाइम टी टू टू टी वन ठीक है। या तो चाहो तो लिख सकते हो सपोज ए फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड ए फोर्स वेरिंग जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ इन मैग्नीट्यूड ठीक है। Suppose a force varying in magnitude acts on a body for time acts on a body for time t2 minus t1 मतलब t1 से t2 तक इसको पकड़ सकते हो equal to t ठीक है। The force time graph in a curve ABC the force time graph in a curve ABC as shown in figure ऊपर वाला फिगर में मैंने वो शो कर दिया है फोर्स टाइम ग्राफ ठीक है। मान लो ए बी सी खत्म। इंपल्स ऑफ फोर्स एफ इन टाइम इंटरवल टी इंपल्स ऑफ फोर्स एफ इन टाइम इंटरवल टी इज क्या करेंगे हम लोग आई इक्वल टू इंटीग्रेट जीरो टू टी एफ डी टी जीरो टू टी एफ डी टी इक्वल टू एरिया ऑफ कर्व ए बी सी ठीक है। एरिया ऑफ कर्व ए बी सी इसका एरिया इंपल्स क्या होगा इसका एरिया क्योंकि हम लोग जब एफ डॉट टी करेंगे तभी क्या आएगा इसका एरिया आ जाएगा। तो हम लोग को मिल गया कैसे हम जब वेरिएबल फोर्स अप्लाई करते हैं तब हम लोग कैसे इंपल्स निकालेंगे तब जो ग्राफ दिया होगा इसका इंटीग्रल करके हम लोग उसका इंपल्स जो है वो निकालेंगे ठीक है। समझ में आएगा चलो ठीक मिटा देते हैं। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल वाला सवाल देखेंगे बहुत मजा आएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेटेड है और ये भी इंपल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ मैं आंसर भी लिख दूंगा ये बोर्ड के लिए और आप लोगों का क्लास 11 स्कूल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम सीबीएसई एग्जाम या स्टेट एग्जाम सबके लिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देख लो क्वेश्चन ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स विद ए कैचिंग अ बॉल। ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड विद ए कैचिंग अ बॉल
कैचिंग ए बॉम्ब, ठीक है। वाई काइको, क्यों? जब एक क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तब कैच करके बॉल पीछे की तरफ लेके आ जाता है, मतलब लोअर में लेके आ जाता है, ऐसे कैच करके उसको ऐसे पकड़ के नहीं रखता है, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है, क्यों? ये तो सबको पता है, फिर मैं आंसर लिख देता हूं। व्हेन द बॉल इज कॉट द इंपल्स रिसीव्ड बाय द हैंड्स व्हेन द बॉल इज कॉट द बॉल इज कॉट, जब उसको कैच पकड़ते हैं, द इंपल्स रिसीव्ड बाय द हैंड्स, द इंपल्स रिसीव्ड बाय द हैंड्स, द इंपल्स रिसीव्ड बाय द हैंड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल एंड द टाइम टेकन एक्सर्टेड बाय द बॉल एंड टाइम टेकन एक्सर्टेड बाय द बॉल एंड टाइम टेकन टू कॉम्प्लीट द कैच, टू कॉम्प्लीट द कैच, ठीक है। बाय मूविंग द हैंड्स बैकवर्ड, बाय मूविंग द हैंड्स बैकवर्ड, बाय मूविंग द हैंड बैकवर्ड, जब हम लोग हैंड्स को पीछे की तरफ लेके आते हैं, द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम ऑफ कैच, द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम फॉर कैच, ठीक है। द क्रिकेटर इंक्रीजेस The time for catch, the force exerted on his hands becomes much smaller. The force exerted, the force exerted on his hands becomes much smaller, ठीक है, becomes much smaller and it does not hurt him, and it does not hurt him, ठीक है। ये किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक पे मिल जाएगा। फिलहाल इसका आंसर मैं लिखा हूं ऐसा से, तो एक क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड व्हेन कैचिंग ए बॉल, जब हम क्रिकेट प्लेयर कैच करते हैं बॉल को तो वो लोग अपने हाथ को क्यों नीचे की तरफ लेके आते हैं। व्हेन द बॉल इज कॉल्ड द इंपल्स रिसीव बाय द हैंड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल एंड टाइम टेकन टू कम्प्लीट द कैच, जब हम लोग ऐसे कैच पकड़ते हैं तो उसका जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो क्या होता है, जो बॉल का फोर्स है वो, और जो जितना टाइम लगता है वो, तो जब वो ऐसे करके नीचे की तरफ लेके आता है तो इम्पल्स का जो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जाता है। बाय द बॉल एंड टाइम टेकन टू कम्प्लीट द कैच, बाय मूविंग हिज हैंड बैकवर्ड्स द क्रिकेटर इंक्रीजेस द टाइम फॉर कैच, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज हैंड्स बिकम्स मच स्मॉलर एंड इट डज नॉट हर्ट। तो टाइम इंक्रीज करने से क्या होता है, जो उसका फोर्स एक्सर्ट करने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है, तो उसके लिए उसका हाथ पे मतलब
दर्द नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो ड्यूस बॉल यूज करते हैं, तो ड्यूस मतलब अचानक से हाथ में या फिर मतलब जब हाथ में टच करते हैं तो हाथ हर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसा करके जब लोग पीछे की तरफ ले जाते हैं तो उनका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट नहीं होते। ठीक है, अगला सवाल, ऑटोमोबाइल्स ब्रैकेट पे लिख सकते हो कार्स बसेस एक्सेट्रा, कार्स बसेस एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स, आर प्रोवाइडेड विद सोकर्स एस एच ओ सी के ई आर एस, बाइक पे भी होता है, मेरे बाइक पे भी है सोकर्स, ये मैंने कुछ दिन पहले खराब हो गया था, इसका आंसर भी देख लेता हूं। When a vehicle moves on an uneven route, when a vehicle moves in an moves on a uneven route, मतलब खराब बकवास रोड, it receives a jerk. It receives a jerk. ठीक है, the shocker increases the time of jerk. The shocker increases the time of jerk. The shocker increases the time of jerk and hence reduces its force. And hence reduces its force. ठीक है, this makes journey comfortable. This makes journey comfortable. And saves the automobile from damage. And saves the automobile. Saves the automobile from damage. From damage. Two bumps. क्या कहा है इसमें, कोई भी व्हीकल पे सोकर्स जरूर यूज करेगा। सोकर्स क्या है देख लेना, जो स्टेयरिंग है ज्यादातर बाइक का, जो स्टेयरिंग है जो स्पिन करता है ऐसे ऐसे वही होता है, मतलब आगे की तरफ देख लेना, बाइक का जो है वो जो स्पिन करता है वही होता है सोकर्स। और गाड़ी का देखना नीचे की तरफ टायर के ऊपर में एक ऐसा करके होता है कुछ, कुछ ऐसा करके टायर के ऊपर होता है, मान लो यहाँ पर टायर है कुछ ऐसा करके होता है, तो ये जो होता है वो होता है चारों टायर के ऊपर या छह टायर के ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है सोकर। तो क्या होता है जब टायर ऐसे बम्पिंग करता है तो सोकर जो है वो ऐसे ऐसे करके वो भी बम्पिंग करता है। तो जनरली क्या होता है, मान लो सोकर मीन्स एक तरफ का स्प्रिंग ही पकड़ लो इसको, जो बाइसाइकिल में भी होते हैं, तो बाइसाइकिल में भी हम लोग क्यों स्प्रिंग यूज करते हैं सीट के नीचे, क्योंकि जब कोई रफ रोड के ऊपर से हम लोग जाते हैं तो जब हम लोगों के ऐसे ऐसे जर्क होता है तो स्प्रिंग होने की वजह से हम लोग ज्यादा जर्क फील नहीं करते। और वो क्यों फील नहीं करते, क्योंकि जो जर्क की वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स लेकिन सोकर के या स्प्रिंग की वजह से टाइम ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाता है, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ने की वजह से फोर्स जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि इम्पल्स जो होता है आई इक्वल टू एफ इंटू टी, इम्पल्स तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा
अगर आप टी को इंक्रीज कर दोगे तो एफ जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों का जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, जिससे हम लोग जो बंपिंग या जर्किंग फोर्स है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से हम लोगों का जर्नी कंफर्टेबल हो जाता है। और हम लोगों का जो ऑटोमोबाइल्स का जो मान लो कार या बाइक या साइकिल वो सब मतलब हार्ड होने से भी बच जाता है और वो डैमेज भी नहीं होता इतना जल्दी। समझ में आया तो चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आ सकता है एग्जाम में, पूरा थ्योरी बेस है। क्वेश्चन, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट receives more injuries, ठीक है। When he fall on a cemented floor, ठीक है। Then when he falls on a heap of sand, then when he falls on a heap of sand, ठीक है, इसका आंसर मैं लिख देता हूं। इन बोथ केसेस द इंपल्स ऑफ द टोटल चेंज इन मोमेंटम इज चेंज आर द सेम, इन बोथ केसेस the impulse or the total change in momentum is same, ये मैंने पहले भी बोल दिया है। On the cemented floor पे क्या होता है, the person is stopped abruptly, मतलब suddenly वो stopped हो जाता है। So the cemented floor exerts a large force. So the cemented floor exerts a large force, causing him severe injuries. जब हम लोग सीमेंट फ्लोर के ऊपर अचानक से जम करके गिरेंगे तब क्या होगा, हम लोग का जो मास है वो मास जब हम लोग किसी हाइट से ऐसे गिरेंगे तो वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलके हम लोगों के ऊपर इम्पल्स हो जाएगा और
हम लोग का मोमेंटम जो है वो चेंज होगा, क्योंकि ऊपर से गिरने की वजह से हम लोग का वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होने से मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो जब हम लोग सीमेंट के ऊपर अचानक से जाके ऐसे गिरेंगे तब क्या होगा, पूरा मोमेंटम जो है वो फोर्स में चला जाएगा, और जो फोर्स है वो हम लोग कहां पर रिलीज करेंगे, सीमेंट के ऊपर, अचानक से सीमेंट के ऊपर ऐसे रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों को लगेगा इंजुरीज, हम लोगों के पैर जो है वो डैमेज हो जाएगा, लंगड़े लंगड़ा हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। व्हेन द पर्सन फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड, व्हेन द पर्सन फॉल्स ऑन ए हीप ऑफ सैंड, जब सेम पर्सन सैंड के ऊपर गिरेगा, द सैंड येल्स अंडर हिज वेट, द सैंड येल्स अंडर हिज वेट, ठीक है। द पर्सन टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, द पर्सन टेक्स लॉन्गर टाइम टू स्टॉप, उसको रोकने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। दिस डिक्रीजेस द फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लो, दिस डिक्रीजेस द This decreases the force exerted, the force exerted by the floor on the person, बस इतना ही लिखना है। मैं फिर बोल देता हूं, मान लो ये हाइट है, ये बिल्डिंग है, यहां से तुम छलांग मार के यहाँ पर आके गिरे हो, तो क्या होगा, छलांग मारने की वजह से मान लो यहाँ पर तुम्हारा वेलोसिटी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर आके तुम्हारा वेलोसिटी हो गया भी, तो भी होने से क्या होगा, तुम्हारा मोमेंटम क्या होगा, एम भी होगा, मान लो तुम्हारा मास एम है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, फोर्स एफ इक्वल टू डीपी बाई डीटी और डीपी इक्वल टू एफ डीटी। अभी तुम जो फोर्स मतलब तुम्हारा जो मोमेंटम है वो यहाँ पर रिलीज करने से इतना ही रिलीज करोगे, यहां पर रिलीज करने से थोड़ा सेम मोमेंटम ही रिलीज करोगे, लेकिन क्या होगा, आपका डीटी में थोड़ा टाइम ऐड हो जाएगा, तो डीटी ऐड होने से मतलब डीटी प्लस होने से एफ क्या है, एफ ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका मोमेंटम तो कांस्टेंट है, मोमेंटम इंपल्स तो आपका कांस्टेंट है, मोमेंटम तो हम कांस्टेंट कर दिया, तो इसके वजह से क्या होगा, तो टाइम थोड़ा मिलने से एफ जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, मतलब हम लोग इंजुरी से बच जाएंगे, इसलिए हम लोग सैंड के ऊपर जंप करने से डैमेज नहीं होता, फिर सॉकर यूज करने से ऑटोमोबाइल्स का डैमेज नहीं होता, और क्या कराया था हमने, क्रिकेट प्लेयर जब बॉल को कैच लेते हैं तो वो लोग भी हाथ को पीछे की तरफ लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए तो उन लोगों को भी डैमेज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आएगा इम्पल्स के वजह से क्या क्या होता है, और भी बहुत सारा चीज है, बुक में देख लेना, नहीं तो मैं बाद में वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा या पीडीएफ में फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा और लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आज इम्पल्स हम लोगों ने देख लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, जो लोग अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हो वो लोग प्लीज सीरियल वाइज मेरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने से आप लोग मतलब समझने में थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है, इतना ही आज, ज्यादा बात नहीं करते, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा।